ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। एमएस पावर पॉइंट 2007 के इस अध्याय में हम सीखेंगे टेबल इंसर्ट करना और चार्ट इंसर्ट करना। अभी हमने आपको नई स्लाइड लाना, स्लाइड्स बनाना, उसमें एनिमेशन देना आदि सारी चीज़ें सिखाई। अब अगर स्लाइड बनाते समय उसमें आप कोई भी चार्ट या टेबल या पिक्चर, क्लिप आर्ट इत्यादि कोई भी कंटेंट अगर उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, ये अब हम आपको सिखाते हैं। कंटेंट्स इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्लाइड पर यहाँ पर कुछ आइकन्स दिए हुए हैं। ये जो अलग अलग आइकन्स हैं ये अलग अलग कंटेंट के लिए हैं। जैसे पहला जो आइकन आप देख रहे हैं वो है इंसर्ट टेबल का। यानी अगर आप अपनी स्लाइड में टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस आइकन पर जाकर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज दी हुई हैं। कितने आपको कॉलम्स यानी कितनी खड़ी लाइनें आपको चाहिए वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। इस नंबर को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। ये जैसे हमने 6 कॉलम्स लिए। नंबर ऑफ रोज आपको यहाँ मिल जाएगी, इसे भी आप घटा या बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हमने 6 नंबर ऑफ़ रोज ली, मतलब आधी लाइनें और खड़ी लाइनें वो हमने यहाँ से चुन ली टेबल के लिए और फिर ओके पर क्लिक कर दिया। ये देखिए ये टेबल आ गई, ये है इसकी लाइन। और ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं या बिंदु दिख रहे हैं ये यहाँ से आप इसका साइज़ बढ़ाया घटा सकते हैं। ये इस तरह से आपने इसको बड़ा कर लिया, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये टेबल मूव करनी हो तो आप इसे मूव भी कर सकते हैं। उसके लिए ये जो इसकी बॉर्डर लाइन है उस पर पॉइंटर रख करके आप इसे ड्रैग कर लीजिए, जहां आप इस टेबल को ले जाना चाहेंगे वहां ये टेबल चली जाएगी। अब जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो आप यहां पाएंगे कि यहां पे टेबल स्टाइल्स आ जाते हैं। ये टेबल स्टाइल्स में आपको अलग अलग कलर के स्टाइल्स मिल जाएंगे, अलग अलग रंग मिल जाएंगे, उनका स्टाइल अलग अलग मिल जाएगा। ये जब आप डाउनवर्ड एरो पर मोर पर क्लिक करेंगे तो ये इतने सारे स्टाइल्स हैं। अगर आप लाइट कलर्स चाहते हैं तो आपको लाइट मिल जाएगा, मीडियम चाहते हैं तो ये आपको मीडियम मिल जाएगा। अगर आप डार्क कलर्स चाहते हैं तो ये डार्क भी मिल जाएंगे। जैसे आपने ये चुना तो ये देखिए आपकी टेबल इस तरह से आ गई। इसमें अलग से आपको कलर भरने की ज़रूरत नहीं है, टेबल स्टाइल्स में से आप ये खुद चुन सकते हैं। और अगर इसके बारे में आप और जानकारी चाहते हैं तो एमएस वर्ड में ये हमने आपको सिखाया है, वहाँ पर जाकर के आप इसे और देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर आपको इस टेबल की ज़रूरत ना हो तो आप ये बॉर्डर पर पॉइंटर रखें, क्लिक करें और फिर कीबोर्ड पर डिलीट प्रेस कर दें, ये अपने आप आपका टेबल जो है वो चला गया। इसी तरह से आपको अगला आइकन मिलता है चार्ट का। अगर आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस आइकन पर जाएं और क्लिक कर दें। अभी देखिए आपके सामने अलग अलग तरह के चार्ट्स आ जाते हैं। कॉलम में चाहिए, लाइन में चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, बार चाहिए, एरिया चाहिए, ये अलग अलग टाइप्स हैं। जो भी आपको चाहिए वो देखिए यहाँ से आ जाएगा, आप उसको चुन सकते हैं। कॉलम में आपको चाहिए तो कॉलम में फिर अलग अलग स्टाइल हैं, 3D हैं, राउंड हैं, सिंपल बार हैं। जैसा भी चार्ट आप चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ये चुना, इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया। ये देखिए ये हमारे सामने चार्ट आ गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डेटा हमारे पास यहाँ है उसके हिसाब से ये चार्ट आ गया है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड पर एमएस एक्सेल में जो आपने काम किया है उस काम को आप चार्ट के रूप में स्लाइड पर शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये ऑफिस बटन पर जाएं, क्लिक करें और यहाँ से रिसेंट डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। इसमें अगर आपकी वो फाइल हो तो ठीक है, नहीं हो तो ओपन फाइल पर जाकर के और आप उसको लेकर आ सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर फाइल डली हुई है, इस पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ नीचे आप देख सकते हैं वर्कशीट्स हैं। जिस भी शीट पर आपका काम है वो शीट आप देख लीजिए। ये हमको शीट 3 पर हमारा काम मिल गया है। अब इस डेटा को आप सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। ये हमने राइट क्लिक से उसको लेकर आए, कॉपी किया
और अब हम वापस हमारा जो पुराना डेटा था वहाँ गए, उसको सिलेक्ट किया, उसको हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन चुनेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट का ऑप्शन क्लिक करने पर अगर इस तरह का डायलॉग बॉक्स अगर आता है जिसमें वो पूछता है डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस द कंटेंट्स ऑफ द डेस्टिनेशन सेल, जहाँ आप ये डेटा पहुँचाना चाहते हैं वहाँ का जो कंटेंट है उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं क्या, अगर वो इस तरह से पूछता है तो आप यस पर क्लिक कर दें तो ये अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। तब जो आपने डेटा यहाँ चुना है, जो आपके पास MS Excel में था, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर चार्ट आ गया है। अब इसको आप अपनी ओरिजिनल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो ये इसको आप हटा दीजिए, क्लोज कर दीजिए और ये देखिए ये अब आपकी स्लाइड पर पूरा चार्ट आ गया है। यहाँ पर देखिए चार्ट के साथ ही चार्ट स्टाइल्स आ जाती हैं, इसमें ये अलग अलग स्टाइल दी हुई हैं, आपको अगर और देखना हो तो मोर पर जाकर आप देख सकते हैं। अब इसमें से जिस भी स्टाइल को आप चुनना चाहते हैं वो स्टाइल आप चुन सकते हैं। मान लीजिए आपने ये लिया तो ये देखिए आपका चार्ट इस स्टाइल में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चार्ट लाते से ही आपको चार्ट टूल्स जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आने लगेंगे। इसमें से ये है चेंज चार्ट टाइप, अगर आपको चार्ट का जो टाइप है वो बदलना हो तो आप इस पर क्लिक कर दें तो वापस आप इस पर आ जाएंगे, ताकि अगर आपको कॉलम की जगह लाइन चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए तो आप उसे फिर चेंज कर सकते हैं, नहीं करना हो तो इसे हटा दें। और अगर आपको जिस डेटा के बेस पर आपने ये चार्ट बनाया है उसमें कुछ एडिट करना है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो ये देखिए वापस से डेटा आपके सामने आ गया। मान लीजिए यहाँ पर हम किसी भी डिजिट में कुछ अंतर करते हैं, जैसे ये पहला है फर्नीचर, इसमें यहाँ पर हमने ये क्लिक किया, 2011 की सेल जो थी वो हमने चेंज कर दी और 2012 की जो है सेल उसको भी हमने चेंज कर दिया 15,000 से 17,000 कर दिया। अब एंटर प्रेस करें तो ये देखिए ये जो हमारा चार्ट था वो उसके हिसाब से चेंज हो गया, तो ये आप एडिट कर सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर आपको क्विक लेआउट मिलता है, ये जो लेआउट चार्ट का है इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये मोर के ऑप्शन पर जाएं, ये देखिए अलग अलग तरह के जो लेआउट आपके सामने आ गए। अब इसमें से कोई भी आपने मान लीजिए लेआउट चुना तो ये देखिए आपका चार्ट इस तरह से अलग ही स्टाइल में आ गया। कुछ भी चेंजेस अगर आपको करना हो तो वो आप यहाँ से चुन सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। और अगर आपको चार्ट की ज़रूरत ना हो, आपको डिलीट करना हो, तो ये इसकी बॉर्डर पर पॉइंटर रखें, क्लिक करें और डिलीट की दबा दें। MS PowerPoint 2007 के इस अध्याय में हमने सीखा टेबल इंसर्ट करना और चार्ट इंसर्ट करना।